સુરતના ટફળાઈન્સ ખાતે આવેલા ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં આજે એટલે કે સોમવારે 17મી ઓક્ટોબરથી ડીજીપી કપ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટનું ઉદઘાટન કરાયું હતું. ઓપનિંગ સેરેમનીનું ઉદઘાટન સુરત પોલીસ કમિશનર શ્રી કુમાર તોમરના હસ્તે કરાયું હતું, જેમાં શહેરના નામાંકિત લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો આ સ્પર્ધામાં ગુજરાતના વિવિધ શહેરો અને રેન્જની ટીમોએ ભાગ લેશે. સુરતના ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થયેલા ડીજીપી કપ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા ઉત્સાહભરે પોલીસ જવાનો જોડાયા હતા. सिटी सूरत शहर में ड्रग्स के पीछे हाथ धो के हम पड़ जाएंगे, लगे भी हुए हैं. सूरत शहर में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं रहेगा. सूरत शहर में साइबर क्राइम के पीछे हम इस तरह से पड़ेंगे, चाहे जामतारा में हो, बेंगलोर में हो, बॉम्बे में हो, मेवात में हो, जहां के भी क्रिमिनल हो उनको पकड़ के काठला पकड़ के यहां लेके आएंगे. सूरत शहर में एक भी ऑर्गेनाइज गैंग नहीं होगा. सूरत शहर में बेटियां और बहनें सलामत रहेंगी. सूरत शहर में सीनियर सिटीजन सलामत रहेंगे. ये सभी चीजों की घोषणा मैं आज नहीं कर रहा हूं और ये सब मैं नहीं करने वाला हूं. ये सभी मेरी टीम और वहां जो इधर आपको दिख रही हैं पुलिस के कर्मचारी, एडिशनल सीपी से लेकर कांस्टेबल तक, ही हमारी टीम की घोषणा है. क्योंकि खेलने का मजा तब है जब शरीर में ताकत आए, जब दिल में जुस्सा आए. और यदि दिल में जुस्सा और शरीर में ऊर्जा हो और तालीम आपकी बढ़िया है तो किसी भी क्रिमिनल का ऐसा चैलेंज बाकी नहीं रह सकता जिसको हम हरा नहीं सकते. जैसे हम खेल के मैदान में जीतेंगे, उसी तरह पुलिस क्राइम के अगेंस्ट भी जीतेगी, कायदा व्यवस्था में भी जीतेगी, जाहिर व्यवस्था में भी जीतेगी और लोगों का दिल जीतने में भी कामयाब रहेगी. आप सभी लोगों को एक बार मेरी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से स्वागत और धन्यवाद करता हूं.